हाय गाइस, वेलकम टू द एंडिंग गेमर चैनल। और हम आज कर रहे हैं वीडियो आपके कमेंट्स पे। और देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया है आपसे, फटाफट कर रहा हूँ। महीना भी नहीं बीता, उससे पहले ही मैं अगला वीडियो लेके आ गया हूँ योर कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला कमेंट है बबली साहू भाई की तरफ से। वो कहते हैं, अपना काम धाम सब छोड़ दो और एक दिन में 3-4 वीडियो दो। सही बात कह रहे हो बबली भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मैं काम धाम छोड़ दूं, और छोटी बात कर दी आपने। 3-4 वीडियो से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30-40 वीडियो ना हो ना रेगुलर अपलोड, तो मजा नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं। मिड टीवी इंडिया के विशाल भाई कहते हैं, ये साला मैप है, यहाँ एरोप्लेन से पूरा करो ऑब्जेक्टिव, हद है स्पिन टायर्स से। ये एक्चुअली में हमने जो ये नया मैप शुरू किया है ना स्पिन टायर्स में, जिसका नाम है ब्लैक वाटर मैप, ये वास्तव में बड़ा खराब मैप है, बड़ा ही उबड़ खाबड़ आ रहा तिरछा। आपने देखा इस मैप का, हमने पहला ही एपिसोड किया, पहले एपिसोड में 2 व्हीकल हमने खो दिए, पलटा दिए, अब बचा है एक। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2 मैप हैं, ब्लैक वाटर मैप और इसका एक बड़ा भाई है ब्लैक वाटर कैनियन। अगर आपको ये ब्लैक वाटर मैप कठिन लग रहा है ना, तो कसम से आप देखना ब्लैक वाटर कैनियन कैसा होगा, चीखे निकल जाएंगी सबकी। अभिनव डॉन गेम्स एंड गेमर्स मैनिया चैनल जो है उसके संस्थापक हैं, उनका कहना है कि एकदम पेशेंस चाहिए इसके लिए अल्टीमेट। ये बात कर रहे हैं स्पिन टायर्स की ही, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पिन टायर्स में इतनी पेशेंस चाहिए, इतनी पेशेंस चाहिए जिसका कोई जवाब नहीं। ये सही में जी, जो सिमुलेटर है ऑफ रोडिंग, इसमें आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत सोचना पड़ेगा। मूविंग ऑन, विकास राणा भाई कहते हैं, इज पीसी गेमिंग बेटर देन कंसोल? आई मीन इट्स गुड ऑन पीसी स्पेक वाइज बट मोर कॉस्टली बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग ग्राफिक कार्ड्स एटसेट्रा, इट गेट्स ओल्ड सो इजीली। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, आपने ये बहुत ही मतलब गलत आदमी से पूछ लिया है। हाउ कैन आई बी नॉट बायस्ड टुवर्ड्स पीसी? आप सोच रहे हो पीसी और कंसोल के बीच में, आप अगर एक पीसी एंथुसियास्ट से पूछोगे तो मैं तो पीसी की साइड ही लूंगा। बाय द वे, मैं ईमानदारी से आपको जवाब दूं, पीसी इज बेटर, अ लॉट 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 बेटर, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पीसी एंथुसियास्ट। कंसोल पे आप सिर्फ गेमिंग कर सकते हो, पीसी पे आप 36 तरीके के काम कर सकते हो, 36 तरीके के। आपका और जो भी पैशन है आप वो फॉलो करो, पीसी नाम में ही आप देख लो पर्सनल कंप्यूटर, जो चाहते हो आप वो करो, म्यूजिक से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मतलब ये वो मशीन है, अगर आपने बना ली तो ये आपको पैसे कमा कमा के देगी। और बेसिकली ना मैं लोग जानते हैं, मैं लोग ये सोच भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वो जाऊंगा नहीं उस चीज में। वो जो पीसी मास्टर रेस वाली वो आइडियोलॉजी है ना, कि पीसी मास्टर रेस होती है और कंसोल वाले पेजेंट्स होते हैं, वो गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे जो रखो अपने पास, पीसी या कंसोल, बट जस्ट टू एक्सेप्ट दिस दैट पीसी इज सुपीरियर देन कंसोल इज इनफ फॉर यू टू ज्वाइन द पीसी मास्टर रेस। इसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जहां तक बात है, ये बार बार ग्राफिक कार्ड चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई लोग इस चैनल पे होंगे जिनके पास 10-10 साल पुराने पीसीज होंगे, चला रहे हैं काम वो अपना, और वो ही पीसी उन्हें पैसे कमा कमा के भी दे रहा होगा, टाइम पास तो कर ही रहा होगा अलग। और जहां तक आप कह रहे हो, अगर ये महंगे और सस्ते की बात कह रहे हो आप, 20,000 में बिल्ड करके दिया है मैंने, गेम रेडी बिल्ड है वो कंसोल, इससे सस्ता तो नहीं आता। देखा, हो गया ना बायस, मैं कह रहा था ना, जबकि कंसोल के भी फायदे होते हैं, कंसोल जिस चीज के लिए बना हुआ है वो उसके लिए बना हुआ है, वो अपना काम करता है, लेकिन मैंने कर दिया ना बायस, मैंने ले ली ना साइड पीसी गेमिंग की। तो आप ऐसे बंदे से पूछो जो बराबर हो बिल्कुल, जो आपको सही बात बता सके। देखो मैं तो पीसी एंथुसियास्ट हूँ, और इस चैनल पे ज्यादातर मेजोरिटी वाले जो है वो बिल्ड वाले लोग हैं, वो पीसी एंथुसियास्ट ही हैं, वो अंधा फॉलो करते हैं पीसी को, और अंधा फॉलो नहीं करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस भी, बहुत सारे रीजंस हैं। खैर ये वही पीसी बिल्ड वाला वीडियो बन जाएगा, इसलिए इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है रिक्सेश FTW, इफ आई एम सेइंग दिस राइट। वैसे FTW की फुल फॉर्म पता है, EVGA वाले यूज करते हैं फॉर द विन एडिशन, उनके ग्राफिक कार्ड वगैरह पे आता है FTW फॉर द विन एडिशन, उनके जो ओवरक्लॉकिंग ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। बाय द वे ये कहते हैं, हे द
बैटमैन द टेलटेल सीरीज इज रिलीज सम डेज बिफोर प्लेड इट जस्ट फर्स्ट एपिसोड इज रिलीज नेक्स्ट एपिसोड विल कम नेक्स्ट मंथ बाय द वे ऑसम वीडियो लव यू लव योर वीडियो यू शुड हैव वन कितने यूनिट टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख टेन लैख सब्स यू डिजर्व इट ओ भाई वन लैख सब्स चलो यार ख्वाब देखना यार बुरी बात तो नहीं होती इंशाल्लाह पहुंचेंगे। आकाश कुंभार भाई कहते हैं भाई ये मैप हनी के बैट मैप हनी के बैट मैप ये मैं सही पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ भाई ये मैप हनी के बैट मैप ब्लैक वाटर कैनियन करो हार्ड मैप है मुझे बस इतना समझ में आया के बाद ओहो भाई ये मैप होने के बाद मैप ब्लैक वाटर कैनियन करो हार्ड मैप है। खैर हाँ बिल्कुल नहीं इस मैप को होने के बाद यही तो है ब्लैक वाटर मैप खेल लें ये थोड़ा हमें ट्यूशन दे देगा क्या तो थोड़ा सा हमें ट्यूटोरियल पकड़ा देगा कि ब्लैक वाटर कैनियन कैसे खेलो तो उसके बाद यही खेलते हैं। नीलेश चौधरी भाई कहते हैं भाई साहब ये एपिसोड क्लोई को देख के मेरी फटके 74 हो गई। खैर बड़ी खतरनाक एंडिंग हुई थी लाइफ स्ट्रेंज की सही में उस स्टोरी वो बताऊं वो एपिसोड थोड़ा जरूर स्लो गया मेरे ख्याल से तीसरे एपिसोड की एंडिंग की हम बात कर रहे हैं वो एपिसोड जरूर बहुत स्लो गया लेकिन उसकी एंडिंग जो हुई थी ना जो आखिरी के बिल्कुल 2-3 मिनट थे मैं स्पॉइल नहीं करूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा है इसलिए ज्यादा बेटर है लेकिन हिला देने वाली एंडिंग थी सीरियस बहुत तगड़ी स्टोरी है लाइफ स्ट्रेंज की स्टोरी में तो मतलब मैं सही बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे गेमों को वो गेम बीट कर रहा है। पार्थ गाउडे कहते हैं आईजी यू आर बेटर देन प्यूडीपाई और क्या ये सच बात है आई एम बेटर देन प्यूडीपाई और सिखाया किसने अपने ही बच्चा है प्यूडीपाई सिखाया किसने है मैंने देखो होली पे आया था इंडिया पैर चूके गया अभी दिवाली आ रही है फिर पैर चूके जाएगा आशीर्वाद देते हैं मुझे भाई साहब बेटर देन प्यूडीपाई। उमर फारूक कहते हैं योर कंप्यूटर नॉलेज इज ऑसम मेट आईड अप्रिशिएट यू कुड डू अ बिगिनर्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ पीसी बिल्डिंग एटसेट्रा ऑल द टर्म्स इन पीसी बिल्डिंग एंड पीसी गेमिंग एटसेट्रा फॉर इंस्टेंस आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू डू शॉर्ट स्वीट वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू कनेक्ट पीएसयू टू मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट्स। भाई वैसे एक बात बताऊं बिगिनर्स गाइड की जहां तक बात है ना अगर आप ये सारे ही मैंने एक्चुअली में ये मजाक में ही स्टार्ट कर दी थी मैं आपको सीरियसली बताऊं लेकिन उस सीरीज ने कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़ ली ओवरऑल मैं उसे बिगिनर्स गाइड ही रख रहा हूं आप उसमें देखो मैं आपको बताता हूं एक बैलेंस करके एक बिल्ड बनाता हूं और मुझे ये भी पता है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन से प्रोसेसर क्या चल रहे हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड और क्या बैलेंस होगा इसीलिए मुझे एक बात बता है जो लोगों और मुझ में कॉमन होगी वो है पैसा इसीलिए मैंने हमेशा जो बिल्ड करने शुरू किए वो 20-30-40 करके किए जिसका जो बजट होगा वो उस हिसाब से देख लेगा और मैंने सीरियसली इतना आसान करके बताया कि अगर सीखना किसी को हो तो वो सारे वीडियोस देख ले उसे आइडिया हो जाएगा किस में क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आखिरी वीडियो में मुझे याद आ रहा है i5 में अपने टर्बो बूस्ट है तो मैंने थोड़ा टर्बो बूस्ट के बारे में बता दिया कि बेसिकली टर्बो बूस्ट क्या होती है। इस तरह से जैसे जैसे कंपोनेंट्स आते जाएंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाऊंगा तो आप उससे बिगिनर्स गाइड तो आपकी वैसे ही पूरी हो गई। ऑल्दो फिर भी मैं अलग से भी बना दूंगा वीडियो थोड़ा सा ये जो ये बिल्ड्स है ना ये मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा ये 50-60-70 वाले बिल्ड ये तैयार हो जाएं उसके बाद में ही कर दूंगा वैसे। और जहां तक बात है ना ये पीएसयू टू मदरबोर्ड मैं पहले तो आपको कॉन्फिडेंस दिला दूं आप खुद ही पहुंच अगर आपके पास होगा ना अभी पीएसयू और आपको मदरबोर्ड दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा सा भी मदरबोर्ड का मैनुअल पढ़ लोगे थोड़ा सा भी या पावर सप्लाई का तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि कौन सा सॉकेट कहाँ जाना है मैं लिटरली दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसको जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला जो वीडियो होता है वो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से बना के फ्यूचर में दिखाऊंगा तो बड़ा बड़ा सा बनाएंगे खूब बिल्कुल ऐसा कि उसको देखने के बाद सब कॉन्फिडेंस में आ जाएं। सादिया सुमैया सेज इस गेम ने तो सबकी धज्जियां उड़ा दी एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नो मैन्स स्काई सही में धज्जियां उड़ा दी और मैं सही बताऊं वो वीडियो के जो भड़ास थी अंदर की वो तो मैंने सारी निकाली थी वो तो पूरा वीडियो ही बना दिया मैंने भड़ास का अपनी और मुझे लगा मैंने सारी भड़ास निकाल ली है पता चला आप लोगों ने कमेंट में और चार बातें बताई कि ये हुआ है जो मैं भूल गया था। फॉर एग्जाम्पल वो स्पेसशिप कस्टमाइज हो सकते हैं आप में से किसी ने बताया था कि वो तो है ही नहीं वो मैं भूल गया था आपने ही बताया सही में यार उस गेम ने तो बिल्कुल ही हमारे दिमाग की भी तो धज्जियां उड़ा दी। और नो मैन स्काई के वीडियो पे ही एक कमेंट आया है रियर प्रोडक्शन कहते हैं द गेम इज नाइस
स्टॉप हेटिंग। तो चलिए ये उनके व्यूज हैं। बाय द वे कुणाल किशोर भाई ने जवाब दिया है, थोड़ा डांट सी लगा दी है। नो इट्स नॉट स्टॉप लविंग इट ब्लाइंडली द गेम वॉज नॉट लाइक द वन एडवर्टाइज्ड इट हैज सो मेनी थिंग्स रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल वर्जन, जो कि सही बात है। पहली बात तो ब्लाइंडली तो हमें किसी चीज को भी फॉलो नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में, किसी भी चीज को एक्सेप्ट फूड। वी शुड कीप अवर माइंड्स ओपन, पहली बात तो ये। और अगर आपको मैं समझाना चाहूँ ना, वो गेम, उसको हम बुरा नहीं कह रहे हैं गेम को, हम कह रहे हैं उसके क्रिएटर्स ने झूठ बोला। अब आप ऐसे ऐसे समझाऊं मैं आपको, मारियो है बहुत अच्छा गेम है, आज भी बहुत अच्छा गेम है, बहुत टाइम पास गेम है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं वीडियो GTA 5 की और फिर आपको मारियो पकड़ा दूं $60 में, तो फिर आप खुश हो गए या दुखी हो गए, आप बताओ। और मारियो अच्छा गेम है, नो मैन स्काई भी अपने हिसाब से अच्छा गेम है, इंडी गेम है, जिसको ऐसा गेम खेलना है तो वैसा गेम खेल ले। लेकिन आपने दिखाया कुछ, बताया कुछ, और एक आध झूठ तो हमेशा ही चलता है, कुछ ना कुछ तो मक्कारी कॉर्पोरेशंस करते ही करते हैं, लेकिन इतने झूठ नहीं चलते। बाय द वे कुणाल किशोर भाई, आप अपनी पिस्तौल अंदर रख लो, ऐसी कोई बात नहीं है, व्यूज होते हैं अपने अपने। बिल यादव कहते हैं गोल्डी हिंदी गेमिंग भी आपका चैनल ही है क्या, सेम आवाज है। हाँ मेरा ही चैनल है। साला एक नहीं मेंटेन हो रहा, दो से चलाएंगे। यार क्या बात कर दिया आपने यार, गोल्डी भाई कहाँ पर यार, उनकी आवाज सुनी है आपने, ऐसा लगता है शहद घोल दिया हो कानों में, और कहाँ हमारी टेंटे वाली आवाज, कहाँ यार गोल्डी भाई से कंपेयर कर रहे हो। और लास्ट कमेंट है सैफुद्दीन भाई की तरफ से, देखिए आप जैसे लोग है ना, मुझे सही में बहुत खुशी होती है कि आप जैसे चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने फौरन कमेंट किया कि प्राइस हैज ड्रॉप फॉर डीप कूल कैबिनेट एट अमेज़न। आप जैसे लोग होते हो हमेशा जो अलर्ट पे रखते हो। बाय द वे गाइस, इस कमेंट से मुझे एक बात याद आई, अपने ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे डीप कूल का ही आप ड्रामा देख रहे हो, मैंने इसे जमाने से डीप कूल के कैबिनेट जो है पहले 3 बिल्ड्स में मैंने रिकमेंड किए, पता चला वो सारे बिक गए। वो कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई थी 50K वाले बिल्ड वीडियो में। अब वो दोबारा आए, वो महंगे थे वगैरह वगैरह, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन वो दोबारा सस्ते भी हो गए हैं, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंच चुके हैं, जो करीबन 3,250 रुपए की थी, और बहुत बढ़िया कैबिनेट है, बहुत बढ़िया कैबिनेट है, वो दोबारा सस्ते हो चुके हैं, सैफुद्दीन भाई का थैंक्स है। लेकिन इस कमेंट से मुझे एक बात याद आई, बार बार ये जो अप डाउन होता है ना कुछ अपडेट होती रहती है, तो इन छोटी मोटी अपडेट्स के लिए मैंने क्या किया है, मैं पेज पे जो है हमेशा शेयर करूंगा, क्योंकि हर चीज के लिए वीडियो तो बन नहीं सकता। जैसे कि अभी डीप कूल वाले सस्ते हो गए, अब जब तक अगला बिल्ड वीडियो नहीं आएगा तब तक मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस तरह की छोटी बातें जो है ना, वो मैं पेज पे शेयर कर दिया करूंगा। तो आप लोग पेज को जरूर लाइक कर देना, जो भी PC बिल्ड वाले लोग हैं, तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी ना, वो इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। और मैं रफ्तार भी बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, PC बिल्ड वीडियोस की भी रफ्तार मैं बढ़ा दूंगा। चलिए गाइज, आज का वीडियो ये यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए वादा मैंने पूरा किया है, फटाफट किया है, और इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी जो और कमेंट्स का है वो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एंड आई अपोलोजाइज टू दोज गाइज जिनका कमेंट इसमें इस बार नहीं आया है, मैं बहुत माफी मांगता हूँ गाइज। मुझे पता आप में से कई लोग जो रिपीटेडली कमेंट करते हो और शायद नहीं आया होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड योर कमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, सचमुच अच्छा लगा हो वीडियो, तो चिपका दीजिए एक लाइक बटन कस के। और पहली बार आए हो तो ऐसे ड्रामे इस चैनल पे चलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो ड्रामे उसकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले योर कमेंट्स के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।